हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? कल आपका लेक्चर नहीं हो पाया था, पढ़ नहीं पाया था किसी कारणवश, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पढ़ते उड़ते हो नहीं, हमको लगा तुम लोग घर पे। पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सिलेबस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और दे दिया गया है, आप जाकर के वहां पर यूपीएमएससी पे जाकर के देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद का। बाकी सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस आप देख सकते हैं, वहां पर जाइए और आपका बैच वहां पर भी देखिएगा। वो प्रेस से स्टार्ट है, मतलब जो आपका बोर्ड पेपर होगा वो फरवरी में ही होगा, उसका जो आयोजन किया गया है वो फरवरी में ही किया गया है। तो बैच आपका वही प्रेस से ही स्टार्ट होगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि जुलाई से आप पढ़ेंगे, अगर जुलाई से पढ़ेंगे तो आपका कोर्स कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। इस वजह से घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, सरकार ने इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मुहैया कराई है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम वेक्टर्स में पढ़ा रहे थे, क्लास 11th में फिजिक्स का, ठीक है? तो देखिए, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्लास 11th में नहीं पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि लड़के ज्यादातर फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर की तरह बना देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो लड़के नीट या आईआईटी जेईई मेन का सोच रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर ना बनाए, नहीं तो ये फर्स्ट ईयर उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो इस वजह से फर्स्ट ईयर तो उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही थोड़ा सा टफ होता है, लड़के इसको पढ़ते नहीं कि बाद में ये दिक्कत क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी कर देगा सामने आकर के हमारे। तो चलिए, हम उसमें वेक्टर पढ़ा रहे थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं हमारे पहले वाले, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे इनकी लिंक, ठीक है? वहां पर जाकर के वो वाले वीडियो पहले आप देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां पर हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर ली थी, एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करी थी, कुछ हमने क्वेश्चन भी आपको दिए थे कि आप सॉल्व करिएगा, कुछ एडिशन वेक्टर के थे हमने आपको दिए थे जिसको सॉल्व करिएगा, और सब्सट्रैक्शन दिया था। अभी एडिशन में कुछ चीजें और बची हैं, जब वो हम कर लेंगे तब आगे की तरफ और बढ़ेंगे हम, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे इससे पहले रिजल्टेंट वेक्टर की, हमने बात करी थी और आपने देखा था कि उसमें रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला निकल करके आया था पैरेललोग्राम थ्योरम से, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अभी तक हमने रिजल्टेंट जीरो होने की बात नहीं करी है। आज हम बात ये करेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या कि जिसमें रिजल्टेंट इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है? मतलब ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास हो जाए कि जहां पर इसका रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो। अगर हमको कोई दो वेक्टर ऐड करना होता था तो फिर रिजल्टेंट जीरो उसका नहीं होता था, ठीक है? लेकिन अगर हम दो से अधिक वेक्टर यानी कि तीन वेक्टर अगर हम यहां पर क्या करते हैं, ऐड करें, अभी तक केवल हमने दो वेक्टर के एडिशन की बात करी है, अगर हम तीन वेक्टर आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कुछ कंडीशन में उसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब कौन सी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई तीन वेक्टर हैं, ठीक है? और तीनों वेक्टर को अगर हम तीनों वेक्टर जो है उनको एक साथ में जोड़े, मतलब एक ही पॉइंट पर लाकर के अगर हम ऐड कर देते हैं, तो वो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे सपोज अगर आपके पास में कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसी के साथ में हमने क्या जोड़ दिया है, दूसरा वेक्टर बी जोड़ दिया है, और इसी के साथ में हमने तीसरा वेक्टर क्या जोड़ दिया, वेक्टर सी जोड़ दिया। देखिए, सारे के सारे वेक्टर सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अगर अब हम इसमें रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो यहां पर किसी वेक्टर के बीच में कोई गैप बचा ही नहीं, तो हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का यह है कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो जब कोई भी तीन वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो फिर वहां पर उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, ऐसी कंडीशन में क्या है कि जब रिजल्टेंट जीरो है, मतलब इस समय सारे के सारे वेक्टर किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है? तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी काइनेमेटिक मोशन नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी इस समय काइनेमेटिक मोशन में नहीं है, ठीक है? वो मोशन नहीं कर रही है, बॉडी रेस्ट में है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जैसे ये मार्कर है, हम इधर की तरफ से एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर इसको हमको इक्विलिब्रियम में बनाना है तो इधर से भी 1 न्यूटन का फोर्स क्या किया जाए, अप्लाई कर दिया जाए, तो ये बॉडी का है ना हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ठीक है? इसी को अभी हम लॉ ऑफ मोशन में फ्री क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अभी यहाँ पर ये समझिएगा, इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी को रखने का मतलब यही होता है कि हर एक पॉइंट की तरफ से फोर्स इक्वल लगे, ठीक है? तो यहां पर आपको यही चीज समझनी है, और इसके बेसिस पे आपको एक थ्योरम पढ़नी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको लामिस थ्योरम कहा जाएगा, ठीक है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप पढ़ेंगे इसका यूज आपको आगे भी आता रहेगा, जब आप तैयारी किसी की करेंगे वहां पर भी आएगा, या जब आप टेक्निकल लाइन में जाएंगे, आप किसी लाइन में जब जाएंगे वहां पर, जब आपको फिजिक्स पढ़ाएगी वहां पर भी आपको लामिस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस लामिस थ्योरम को समझते हैं। उससे पहले हम एक कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? इसकी डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, देख लीजिएगा उसमें क्या लिखा है। कंडीशन फॉर
जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की लिखा है। देखिए उसमें कि इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, अगर कोई तीन वेक्टर एक ही पॉइंट से क्या करते हूँ एक्ट करते हूँ ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम एक ही टाइम पर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड से अगर वो एक्ट करते हूँ जैसे अभी हमने बनाया था ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर दियर रिजल्टेंट इज जीरो, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है। वही सेम चीज जैसे हमने आपको बताया था अभी, जैसे ये वेक्टर था एक वेक्टर ये जोड़ा था हमने ठीक है, इसको कोई नाम दे दिया वेक्टर ए, उसके इसी के साथ में हमने एक वेक्टर दूसरा जोड़ दिया था वेक्टर बी, और इसके साथ में कोई तीसरा वेक्टर जोड़ दीजिए वेक्टर सी। अब देखिए तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से सबके साथ जुड़े हुए हैं सब सेम पॉइंट से ठीक है, और ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो इस समय इसका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा, यही हमने डेफिनेशन में भी बताया ठीक है। अब अगर ये देखिए ए बी सी तो देखिए ये हमारे पास है वेक्टर ए है वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, तीनों के तीनों एक ट्रायंगल बना रहे हैं ठीक है, और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में इनका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसा अगर हम इसको नाम दे दें कुछ ए बी सी नाम दे देते हैं, तो देखिए ये वेक्टर ए जो हमारे पास है ये तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर ए अपॉन इस लाइन का जो भी है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ये ए अपॉन ए बी सी लिख लीजिए, वेक्टर ए लिखना तो वेक्टर ए लिख लीजिए, ये वेक्टर बी है इसी तरह से तो इसको वेक्टर बी अपॉन में या ये जो भी डिस्टेंस होगी इसकी ए सी, ये हमने ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है ठीक है, और नीचे उसकी लेंथ है ये पूरी ठीक, ये हमारे पास वेक्टर सी इसी तरह वेक्टर सी और इसके डिवाइड में इसकी लेंथ हो जाएगी बी सी, तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर का हमको क्या हो जाएगा फॉर्म का पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, जब आपको तीन वेक्टर आपस में कुछ ऐसे जोड़ने हो कि तीनों का रिजल्टेंट इस तरीके से क्या हो जाए जीरो हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये चीज हम यूज करेंगे ठीक। अब इसी में आपको लार्जेस्ट थ्योरम क्या करनी है पढ़नी है, चलिए उसको समझते हैं, इसको लिख लीजिएगा लार्जेस्ट थ्योरम समझते हैं क्या है इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट थ्योरम, अब लार्जेस्ट थ्योरम कहती क्या है स्टेटमेंट इनका क्या कहती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। लार्जेस्ट थ्योरम आपके 11th के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेईई मेन के और नीट के सिलेबस में लार्जेस्ट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको पढ़ाते हैं कि लार्जेस्ट थ्योरम क्या है, लार्जेस्ट थ्योरम कहती क्या है। लार्जेस्ट थ्योरम पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, इसकी कुछ कंडीशन होती है जहां पर केवल लार्जेस्ट थ्योरम क्या हो पाएगी फॉलो पाएगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का मोशन ना कर रहा हो ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हो रहा जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास में है ठीक है, वो ना तो रोटेशनल मोशन कर रहा हो यानी कि ना तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो ना तो वो लीनियर मोशन कर रहा हो, मतलब ना तो वो सीधा जा रहा हो ना तो पर्टिकुलर किसी सर्कुलर मोशन पर वो मोशन कर रहा हो, किसी भी प्रकार का उसके अंदर मोशन नहीं होना चाहिए, तभी लार्जेस्ट थ्योरम क्या होगी अप्लाई होगी। अब लार्जेस्ट थ्योरम अप्लाई क्या होती है, उनका स्टेटमेंट कहता क्या है, इनका स्टेटमेंट ये कहता है लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग कि किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में और वहां पर कोई एक पॉइंट है और किसी पॉइंट पर अगर तीन इक्वल फोर्स अप्लाई कर दिए जाए इस तरीके से एक ही पॉइंट सारे के सारे फोर्स अप्लाई कर दिए जाए ऐसे, मान लेते हैं इसको हम कोई नाम दे देते हैं F1 और इसको कोई नाम दे देते हैं F2 क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से F1 F2 वेक्टर लगा लीजिए और ये F3 ठीक है, तीन इस तरीके से है और तीनों के बीच में मान लीजिए कुछ एंगल बन रहा है, इसके बीच में अल्फा बीटा एंड गामा ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं, ये आपके पास में कोई एक पॉइंट था ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं जहां पर कोई तीन इक्वल फोर्स इस तरीके से क्या हो रहे हैं अप्लाई हो रहे हैं ठीक है। तो अब लार्जेस्ट थ्योरम क्या कहती है कि जब कभी भी इस तरीके से एक ही पॉइंट से तीन फोर्स इस तरीके से एक ही पॉइंट पर क्या होते हों अप्लाई होते हों तो जो भी एक फोर्स हमारे पास होता है ठीक है इसका और जो ये किनारे की तरफ हमारे पास जो इनके जस्ट अपोजिट साइड वाले जो वेक्टर हैं, मतलब जो भी फोर्स आपके पास में लग रहा है इसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है इनका रेशियो सबका क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये वेक्टर है F1 अपॉन देखिए इसके पीछे का एंगल कौन सा है अपोजिट साइड में बीटा, तो इसका साइन बीटा ये बराबर होगा, ये F2 है तो ये F2 लिख लिया, इसके जस्ट पीछे का एंगल कौन सा है अपोजिट एंगल, दो जो जो फोर्स का निकाल रहे हैं उससे जो अपोजिट फोर्स है हमारे पास उनके बीच का जो एंगल होता है उनका साइन का रेशियो ठीक है, ये साइन गामा इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है F1 हो गया F3 है तो ये F3 अपॉन कितना हो जाएगा साइन अल्फा ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा, ये लार्जेस्ट थ्योरम हमारे पास कहती है। स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ठीक है, अगर कोई तीन फोर्स एक ही पॉइंट से क्या करते हैं एक्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम में ठीक है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, हर एक फोर्स क्या होगा
प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हर एक फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, किसके प्रोपोर्शनल होंगे टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, ठीक है, जो अलग के दो फोर्स हैं उनके बीच का जो भी एंगल होगा उनके साइन के क्या होंगे बराबर बराबर होंगे इस तरीके से, ठीक है, ये लामिस थ्योरम कहती है। अब हमारे पास कहने का मतलब यह है कि इस लामिस थ्योरम का यूज कहां पर होता है, इस लामिस थ्योरम का यूज वहां पर होगा जहां पर मान लीजिए कि कोई आपको दो चीजें दे रखी है, कोई तीसरी चीज अननोन है, इनमें से अगर कोई दो चीज आपको नोन है क्वेश्चन के अंदर और तीसरी चीज अगर आपको अननोन है तो आप डायरेक्ट ये लामिस थ्योरम अप्लाई करके आप वहां से उसका आंसर क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर इस लामिस थ्योरम का क्या होगा यूज होगा, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमें आपको बता दिया कि जैसे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक मान लीजिए कि कोई तार बन रहा है इस तरीके से दोनों तरफ ऐसे, ठीक है, वायर है या स्ट्रिंग है कोई भी चीज मान लेते हैं, अब अचानक से एक बंदर इससे आकर के लटक जाए, ठीक है, एक बंदर आकर के इस पे क्या हो जाए लटक जाए, तो अब बंदर जब लटक जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से झुक जाएगी नीचे की तरफ ऐसे, ये यहां पर बंधा ही था, ये कुछ नीचे की तरफ ऐसे जो इसका तार वायर है ये नीचे ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ, और यहां पर ये बंदर लटका है नीचे की तरफ ऐसे, तो एक तो इस बंदर का कुछ अपना वेट होगा एमजी, इसका एक फोर्स हो गया, एक इधर टेंशन अप्लाई होने लगेगी, जैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे वैसे स्ट्रिंग में एक टेंशन इधर से अप्लाई होगी एक टेंशन यहाँ पर अप्लाई होगी, अब ये पॉइंट इसका हो गया, अब हम ये कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट से तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं फोर्स अप्लाई हो रहे हैं लग रहे हैं, तो यहां पर हम लामिस थ्योरम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से लामिस थ्योरम अप्लाई होती है, तो अभी जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वहां पर लामिस थ्योरम क्या होगी अप्लाई होगी, चलिए ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो वो थी लामिस थ्योरम, ठीक है, लामिस थ्योरम हमने आपको बता दी, लामिस थ्योरम अप्लाई होने की कुछ कंडीशन भी होती हैं, वो भी हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी एडिशन की बात करते थे तो कुछ फैक्ट्स हमारे पास होते हैं एडिशन और वेक्टर में, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का होना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन, जब किन्हीं दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, दो वेक्टर या तीन वेक्टर आप ऐड कर रहे हो तो आपको उसमें कुछ चीजें ध्यान भी रखनी है, ठीक है, क्या चीज ध्यान रखनी है, दो वेक्टर थे हमारे पास, मान लेते हैं फिर से बना लेते हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है इस तरीके से, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे पास करता था पैरेललोग्राम थ्योरम से, ऐसे करके कुछ बनाते थे इसको, ठीक है, ये ऐसे इसके बीच का एंगल अल्फा मान लेते थे, कुछ ये कंडीशन होती थी और हमको पता होता था कि ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होता है बराबर होता है, ठीक। अब पहली कंडीशन इसमें क्या हमने लिखी है कि कुछ फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट ये है कि वेक्टर एडिशन इज क्यूमुलेटिव, ठीक है, वेक्टर एडिशन क्यूमुलेटिव होने का मतलब ये है कि वेक्टर अगर कोई दो वेक्टर आपस में ऐड किए जा रहे हैं, अगर कोई दो वेक्टर आपस में ऐड किए जा रहे हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में ऐड किए जाएं दोनों का सम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में ऐड किए जा रहे हैं तो चाहे हम इस ऑर्डर में वेक्टर को ऐड करें, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करें या वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करें, दोनों का हमारे पास जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो वेक्टर एडिशन इज अ क्यूमुलेटिव, वेक्टर एडिशन क्यूमुलेटिव कैसे है कि हम किसी भी ऑर्डर में, ठीक है, व्हाट एवर किसी भी प्रकार का ऑर्डर हो उसमें आप जब ऐड करेंगे तो चाहे इस तरीके से ऐड करें चाहे इस ऑर्डर में ऐड करें दोनों का सम क्या होना चाहिए बराबर, जो सम इधर आना चाहिए वही सम इधर होना चाहिए, ठीक है, तो और ऐसा होता भी है, तो इसी वजह से क्या कहा गया कि वेक्टर एडिशन क्या होता है क्यूमुलेटिव होता है, ठीक। दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि कोई आपके पास में मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, ठीक है, तीन वेक्टर, तो पहले कोई दो वेक्टर का ग्रुप आप बना लीजिए, ठीक है, उनको ऐड कर लीजिए, उसके बाद किसी तीसरे के साथ में उसको ऐड कर लीजिए, जैसे कि आपके पास में हमारा मतलब है कि उसको किसी भी तरीके से ग्रुप बना करके ऐड करो लेकिन सम उसका भी क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए, जैसे कोई तीन वेक्टर है हमारे पास मान लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हम इन दो वेक्टर को एक साथ में ऐड कर लें ए प्लस बी को, उसके बाद में हम इसको क्या करें सी के साथ में ऐड करें, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ऐड करें मतलब वेक्टर ए को और वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, मान लीजिए आपकी बार हम वेक्टर बी और सी को एक साथ में ऐड करें और उसके बाद वेक्टर ए को ऐड करें, तो इनका सम और इनका सम दोनों का सम क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, और एक जैसा होता भी है,
इसी तरीके से या तो हम किस तरीके से ऐड कर लें, या तो हम अपनी बार क्या ऐड करें, वेक्टर ए को वेक्टर सी को पहले ऐड कर लें और उसके बाद वेक्टर बी को ऐड करें। ठीक है, जब तीन वेक्टर ऐड करने होंगे तो इसी तरह दो वेक्टर को पहले ऐड कर लेंगे, एक नया वेक्टर बनेगा उसको उठा करके किसी तीसरे वेक्टर से ऐड कर देंगे। तो ग्रुपिंग चाहे जैसे बनाओ, ठीक है, चाहे जिस तरीके से ग्रुपिंग करो, आपका जो सम आना चाहिए वो सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और एडिशन जब वेक्टर का हम करते हैं इस तरीके से तो उनका सम इक्वल आता भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें हैं कुछ हमारे पास वेक्टर के जो फैक्ट है। तो दो वेक्टर के फैक्ट आपको ये समझ में आ गए होंगे, एक कुमुलेटिव कि वेक्टर क्या होता है, कुमुलेटिव है, और दूसरा एसोसिएटिव होता है। अब तीसरी कंडीशन हम आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी होगी, बोट की कंडीशन और रिवर की कंडीशन। ठीक है, कि नदी किस डायरेक्शन में बह रही है और आप उसमें तैरना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में तैरना चाहते हैं, तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन 100% से आने हैं। चलिए, दो फैक्ट हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, तीसरा फैक्ट समझिएगा, तीसरा फैक्ट आपको बहुत कायदे से समझना होगा क्योंकि इसमें हम रिवर की बात करेंगे और बोट की बात करेंगे, या आप खुद बोट की जगह पर तैर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा लेकिन समझना है, और उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आएगा कि कोई एक नदी है, ठीक है, और वो रिवर फ्लो कर रही है और उसकी वेलोसिटी कुछ आपको दे रखी होगी कि जो है इतनी स्पीड से उसका जो वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आपको उस नदी को बिल्कुल सीधा करके क्या करना है, पार करना है। मतलब कोई नदी इस तरीके से है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी आपको दे रखी होगी 30 किलोमीटर पर आवर जो भी दे रखा हो, ठीक है, ऐसे अपने मन से, और आपको यहाँ पर से तैरना है और आपको नदी को बिल्कुल सीधा तैरना है। ठीक है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ पर कूदेंगे तो आप बिल्कुल सीधा तैर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, आपको पानी भी क्या करेगी, कुछ बहाएगी आगे की तरफ। तो आपको ये पूछेगा कि कितने एंगल पे आप इस पानी में छलांग लगाएं कि आप बिल्कुल सीधा नदी को क्या कर जाएं, पार कर जाएं। तो आपको कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में कूदना पड़ेगा। ठीक है, तब धीरे धीरे करके आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम आपको समझते हैं कि ये कैसे यहाँ पर सॉल्व कैसे होंगे। ठीक है, चलिए, समझना ये है आपको। और दूसरी बात, देखो इसमें निकालना क्या क्या होगा, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी कि कितनी तेज हम तैरें कि हम उधर निकल जाएं। ठीक है, दूसरा आपको टाइम कितना लगेगा नदी को पार करने में, बिल्कुल सीधा पार करने में, या जिस तरीके से आपको नदी को क्रॉस करना है तो उसमें टाइम कितना लगेगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब ऐसे देखिएगा, मान लीजिए कि कोई एक रिवर है इस तरीके से, ठीक, इसकी कुछ अपनी विड्थ होगी, मान लेते हैं चौड़ाई है कुछ बी है मान लेते हैं। ठीक है, अब एक समझिएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये भी एडिशन का ही एक फैक्ट है। ठीक है, उसी में आ रहा जो फैक्ट ऑफ एडिशन वेक्टर बताया हमने, उसी के अंदर ये पॉइंट है। ठीक है, उसमें ये कहता है कि जब कोई भी, या कोई मान लीजिए कोई तैर रहा है, आदमी ही तैर रहा है या बोट ही तैर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी, उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट की, और वेलोसिटी ऑफ रिवर की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी बोट की। नहीं समझ आया, हमारा मतलब ये है कि इनका स्टेटमेंट ये कहता है कि जो जैसे बोट है, अब इसमें समझाते हैं, ये बोट है हमारे पास, तो बोट की जो एक्चुअल, या आप है यहाँ पर, जो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से आप तैर रहे हैं, ठीक है, आप किसी वेलोसिटी से आप इसके अंदर कूद रहे हैं इससे मैटर नहीं करता, आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी हमारे पास, एक वेलोसिटी का है होगी, एक वेलोसिटी ऑफ बोट होगी, तो इस वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी ये एक्चुअल वेलोसिटी होगी बोट की। आया समझ में? ठीक है, अब इसको समझना कि कैसे ऐसा होता है, अब इसको समझिएगा जरा, इसको समझिए। इसको समझने से पहले एक फैक्ट हम आपको और बता दे रहे हैं कि कोई दो वेक्टर अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। मतलब अगर क्वांटिटी के वेक्टर आपस में ऐड नहीं कर सकते, आप नोट बना करके लिख लीजिए, मतलब फोर्स के वेक्टर को वेलोसिटी के वेक्टर में ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वेलोसिटी के वेक्टर को वेलोसिटी के वेक्टर में ही क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अगर हम आपको एक वेक्टर दे रहे हैं वेलोसिटी का दे रहे हैं, बी इक्वल्स टू 2i + 3j + 4k मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, मान लेते हैं फोर्स का वेक्टर दे रहे हैं, यही 2i + 4j + 6k न्यूटन, तो आप इन दो वेक्टर को आपस में ऐड नहीं कर सकते।
ठीक है। अगर ये वेलोसिटी का वेक्टर था तो अगर ये भी वेलोसिटी का वेक्टर होता मीटर पर सेकंड होता तभी ऐड होगा। तो सेम क्वांटिटी वाले ही वेक्टर आपस में ऐड होंगे, अदर क्वांटिटी वाले वेक्टर ऐड नहीं होंगे। ये डायमेंशन में भी हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है, कि जिनकी डायमेंशन सेम होती है वही आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स फोर्स के साथ में ऐड होगा, फोर्स वेलोसिटी के साथ में ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा जरा इसको, देखो मिटा दिया, अच्छा खासा नदी बनाए थे, इतनी मेहनत से नदी बनाने में बड़ी मेहनत लगती। चलिए, हमारा कहने का मतलब है, हमारा स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट देखो इसका क्या कहता है, बोर्ड वाला सिस्टम है, स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है, तो हम विभव वाली बात कर रहे थे। चलिए, अभी हमने क्या कहा है कि अगर हम कोई बोट, ठीक है, बोट हमेशा जो आपकी रिवर की वेलोसिटी होती है और जो आपका बोट की वेलोसिटी का वेक्टर होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में बोट क्या करेगी, मूव करेगी। कैसे, देखिए, एक हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं एक बोट है, ठीक है, बोट मान लेते हैं, या आप ही को मान लेते चलिए कि आप यहाँ पर तैरना चाहते हैं, और आप तैरना कैसे चाहते हैं, बिल्कुल सीधा तैरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कूद जाएंगे नदी में, ठीक। तो आपको अगर सीधा तैरना है तो आप कुछ इस तरह इधर कूदेंगे ना तभी तो, क्योंकि जब पानी में, तो आप अगर यहीं पर आपको सीधा करना, तो आप यहां पर अगर सीधा जाएंगे तो आपको ये बाहर ले जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप कुछ ऐसे करके कूदेंगे, पर्टिकुलर आपको देखो जाना कैसे था, आपको जाना देखो इस तरीके था, इस तरीके से था, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेक्टर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और यहां पर आपको सीधा जाना है, लेकिन आप कुछ कूदेंगे यहां से, कुछ थीटा एंगल बना करके ऐसे जाएंगे इस तरीके से, तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। मान लीजिए आप मान के वेलोसिटी ऑफ मैन मान लेते हैं इसको, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी, ये होगी, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और यहां से एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा। तो एक वेलोसिटी मैन की, दूसरी वेलोसिटी रिवर की, तो इस मैन की जो वेलोसिटी होगी मूव किस वेलोसिटी से कर रहा है, ये मूव कर रहा है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी से, एक्चुअल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये होगी, ना कि ये होगी। अब कैसे ये होती है, देखो जब ये आदमी यहां पर इस तरीके से तैर रहा होगा, ठीक है, तो होगा क्या, जब ये यहां से तैर रहा होगा, इस तरीके से तैर रहा होगा, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि हम सीधा जा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में जा कैसे रहा है, ये टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको लगेगा कि मैं सीधा क्या कर रहा हूं, आगे तक तैर रहा हूं, क्योंकि इसको पानी उसी तरीके से क्या कर रही है, बहा रही है। लेकिन अगर मान लेते कोई एक आदमी, ठीक है, इसको भी ये आदमी कैसा नजर आएगा, ये इसको कैसे नजर आएगा कि ये टेढ़ा तैर रहा है कि इसको सीधा नजर आएगा, इस आदमी को भी ये आदमी तैरता हुआ कैसे नजर आएगा, सीधा नजर आएगा, क्योंकि जितना मतलब जितना अगर मुड़ करके टिल्टेड ये तैर रहा है, उतना ही तो टिल्ट होकर के वो भी तैर रहा होगा ना। तो अगर ये इसको अपने आप को लग रहा है कि ये बिल्कुल सीधा सीधा मूव कर रहा है, तो ये वाला जो आदमी होगा इसको भी लगेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, सीधा तैर रहा है, ठीक है। तो नदी में तैरने वाले जितने भी आगे के आदमी होंगे, उन सबको आगे वाले आने वाले आदमियों को क्या लगेगा कि वो बिल्कुल सीधा तैर रहा है, क्योंकि वो भी उतने ही एंगल पे क्या कर रहे होंगे, तैर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते कोई एक आदमी बाहर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, अगर इसको देखना हो तो इसको दो यहां पर वेलोसिटी नजर आएंगी, एक तो वेलोसिटी इसकी नजर आएगी जिसमें ये तैरना चाह रहा है, ठीक है, तैर रहा है जिस डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन इसकी ये नजर आएगी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इसको दो वेलोसिटी नजर आएंगी। जो बाहर खड़ा है आदमी, इसको कौन सी दो वेलोसिटी नजर आएंगी, एक ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो एक्चुअल वेलोसिटी इसकी जिससे तैर रहा है, एक ये वेलोसिटी नजर आएगी, दूसरी इसकी रिजल्टेंट नजर आएगी। तो वो एक्चुअली में मूव किस वेलोसिटी से कर रहा है, मूव वो रिजल्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। तो इस चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बोट अगर किसी आप स्ट्रीम में वो तैरना चाहती है या वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, ठीक है, तो वो दोनों वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ जो भी बोट होगी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक। तो अब हम जरा इसका फिगर अच्छे से बना लेते हैं, इसको समझिएगा, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब अपनी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये रिवर है, एक बोट है मान लेते हैं, यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है हमारे पास वी आर, और यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट है वी बी, और ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इस तरीके से इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी वी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बोट की वेलोसिटी तो ये है, लेकिन जो ये किस वेलोसिटी से अगर ये बोट मूव कर रही है, तो वो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है, अपनी इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से ये बोट क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक। चलिए, यहां से एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। तो अगर देखिए, अगर वही सेम चीज है, देखो कि अगर ये हमारे पास वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो जितनी लेंथ इसकी यहां पर होगी वही सेम काम यहां पर भी होगी, ये भी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर उतनी ही होगी, क्योंकि ये वाला चीज और ये वाली चीज दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगी, अगर इसको एक पैरेललोग्राम बना दें ऐसे करके,
देखिए वही पैरेललोग्राम है ना, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों चीज क्या होंगी, सेम होंगी, और ये वाली भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमको क्या क्या चीजें इसमें कैलकुलेट करनी होती है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें कि ये बोर्ड की डिस्टेंस कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगी ना ये, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मिनिमम लेंथ इसकी तो यही होगी बिल्कुल सीधा, ठीक है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, दूसरा आपको कितना टाइम लगेगा इस आदमी को यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, मतलब इसको बिल्कुल सीधा तैरना था, इसको नदी पार करने में कितना टोटल समय लगेगा ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कितने एंगल पे ये इधर की तरफ जा रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हमको ये एंगल निकालना है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब रिवर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ बोट भी पता है, मैन की वेलोसिटी जो भी आदमी तैर रहा है उसकी वेलोसिटी अगर पता है, तो अगर हमको यह हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग डाल दीजिएगा कि जो ये हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो होगा हमारा बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हम किसी भी रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम पार करना चाहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ पर, मतलब कम से कम दूरी पे जब हम इसको करेंगे, कम से कम हमको दूरी तय करना पड़े और हम उस रिवर को क्या कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, तब के लिए फॉर्मूला ये होगा। दूसरा हम आपको एक और डिराइव करके दिखाएंगे जिसमें कम से कम समय लगे, इसमें कम से कम दूरी तय करें, ठीक है, और एक दूसरा करवाएंगे जिसमें कम से कम समय लगे, ठीक है। तो दो अलग अलग है आपके पास में, ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए होगा। अगर हमको इसमें निकालना था कि ये थीटा एंगल निकालना है हमको, ठीक है, कि थीटा कितना निकालना है, तो देखिए आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो आप साइन थीटा इक्वल टू लगा लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये आपको रिजल्टेंट, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगी ये वाली, ठीक है, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट, ये फॉर्मूला ए साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स। तो ये फार्मर समझेगा इतने एंगल पे अगर ये बोट जाएगी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कर पाएगी, ट्रिबल कर पाएगी। दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा हमको निकालना है कि ये इस बी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है ना, तो देखिए आपको पता है ना पाइथागोरस अगर सिंपल लगाएं तो ये बी आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बी का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको बी स्क्वायर निकालना है तो ये क्या हो जाएगी, बी बी स्क्वायर माइनस का बी आर स्क्वायर, ये बी बराबर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ठीक है, रिजल्टेंट वाले से आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी आपको। उसके बाद कितना टाइम इसको लगेगा, इसको मतलब यहां से यहां पर क्रॉस करने में नदी को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमको इस बोर्ड को निकालना है कि इस बोर्ड को कितना टाइम लगेगा, तो बोर्ड की वेलोसिटी रखें, तो बोर्ड की ये वाली वेलोसिटी नहीं रखेंगे, कौन सी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इस समय जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यही हम अभी आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस कितना है, एस मान लेते हैं, कोई डिस्टेंस इसकी मान लेते हैं टोटल, इसको एस डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, अंडर रूट वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, मतलब बोर्ड की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको टाइम क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में कंडीशन है, ये आपके पास में फॉर्मूले, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ओके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के, जिससे आपको क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक आदमी तैरना तैर सकता है कितनी देर से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में वो तैर सकता है, इतनी उसकी क्षमता है तैरने की, ठीक है, इतनी स्पीड से। आगे कह रहा है कि अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, एक रिवर है जो कि 1 किलोमीटर क्या है चौड़ी है, फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर वो जो फ्लो कर रही है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, एक स्विमर है जो कि रिवर को बिल्कुल सीधा पार करना चाहता है, ठीक है। तो क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, वो किस डायरेक्शन में कूदे, ठीक है, कि वो सीधा पार कर जाए। दूसरा, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। तीसरा ये है, हाउ मच टाइम ही वुड टेक द क्रॉस, टेक टू क्रॉस, ठीक है, वो उसको रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तीन चीजें हैं, किस डायरेक्शन में कूदे स्ट्राइक करे, ठीक है, दूसरी चीज उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम कितना होगा। हम दो चीजें नोट डाउन कर ले रहे हैं आपके यहाँ पर जो दिया है, एक वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है इसकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर,
और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है इतना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपके पास में रिवर थी और रिवर की आपको जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर दे रखी है, यह चौड़ाई आपको 1 किलोमीटर दे रखी है। देखिए सारी वैल्यू किलोमीटर में ही है तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम देखिए ए हमारे पास स्विमर, ठीक, अब इसको हमको किधर कुदाना है और देखिए एंगल कहां से बनाएगा वो, देखो ये बिल्कुल सीधा पार करना चाहता है ऐसे यहां से, तो हम इसको कहां कैसे कुदा दें, कितने एंगल पे इसको हम कुदा दें कि ये सीधा बिल्कुल पार कर जाए। तो हमको क्या करना है, हमको यह करना है कि हमको कुछ इस तरह से इसको इस तरीके से हमें कुदाना है, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करें तभी ये सीधा तैर सकता है। अगर यहां पर तैरेगा तो सीधा कहां तैर पाएगा, वो बिल्कुल और आगे बढ़ जाएगा। तो ये एंगल मान लेते हैं यहां से कितना होगा थीटा। अच्छा हमको ये बताइए जरा कि ये एंगल तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो हमको पता है ना, किनारा तो पता है, किनारे से एंगल इसको क्या मान लें अल्फा। अगर हम इस किनारे के एंगल से इतना कूदे एंगल इधर बना करके अल्फा, तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। चलिए ये वेलोसिटी हो गई, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक। ये बन गया हमारे पास, जो वही फिगर था वही बन करके तैयार हो गया। चलिए अब देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, ये टोटल अगर 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये एंगल हमने थीटा माना था, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 माइनस अल्फा के क्या होगा बराबर। अब हमको फॉर्मूले अप्लाई करने सीधे सीधे, हमारा पहला फॉर्मूला क्या था कि हमको कितने एंगल पे इसको क्या करना है, कुदाना है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस अल्फा, ये लिख लें साइन 90 माइनस अल्फा लिख लेते हैं इसको, ठीक, इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन, इसे वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे रखी है कितना दे रखी है 3 किलोमीटर, और ये वेलोसिटी ऑफ ये कितना दे रखा है 5। साइन 90 माइनस अल्फा या साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो ये साइन 90 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3.5। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3.5, ठीक है। अब ये 3.5 देखिए इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जैसे दिखाओ जरा, 3.5 का मतलब ये हो गया, 3.5 का मतलब हो गया 0.6। तो ये अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.6, और ये वैल्यू होती है आपकी क्या कहते हैं, ये होती है 53 डिग्री 1 मिनट, 53 डिग्री 1 मिनट, ठीक है। ये आपके पास में आएगी, ये एक आंसर आ गया कि अगर इतने एंगल पर ये यहां से कूदे तो ये क्या कर जाएगा, सीधा इसको क्रॉस कर जाएगा। चलिए दूसरा आपसे क्या पूछा था, दूसरा आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा था। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अगर इसको भी वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लें तो ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी दे रखी है 5/25 हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी 9/25 - 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, 25 - 9 हो जाएगा आपको 16। तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो जो इसकी क्या कहते हैं हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। अब इसको तैरने में या इसको क्रॉस करने में समय कितना लगेगा, तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने क्या कहा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करना चाहता है उसको, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुई इसका डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है 1 किलोमीटर, मतलब उसको 1 किलोमीटर की चौड़ी नदी को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी आई है इसकी, हमने क्या कहा था, अब इसकी वेलोसिटी ये वाली ना रखते कौन सी रखेंगे, ये वाली, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी से ही वो क्या करता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है, लगता है उसको इस वेलोसिटी से, लेकिन मूव किस वेलोसिटी से कर रहा होता है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी से। वो कितने दे रखी है 4, तो 1/4 है, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25, टाइम कितना आया 0.25 आवर्स, ठीक है इतना। तो 0.25 आवर्स आया है, अगर इसको हम 60 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 15 मिनट, तो उसको टोटल नदी को पार करने में कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास में सिस्टम पूरा, जिससे आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो और भी अच्छी बात है। तो
हम बताएंगे आपको, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या आप व्हाट्सएप करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है, 9792107671 पर। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़ा चीजें और बताएंगे आपको कि मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इन बारे में जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। अभी ये बोर्ड का कंसेप्ट बहुत क्लियर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके पास में, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बाय।